हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आप अभी जो है टाइम हो रहा है 11 बज रहा है और अभी मैं निकल चुका हूँ काम के लिए और टाइमर मेरे पे ज़बरदस्त वाला लगा हुआ है 120 मिनट यानी 2 घंटे का। मैं कल शाम के टाइम आ रहा था तो मैंने जो है आईडी ऑन रखा था और 6 ऑर्डर बचे थे मेरे पे, तो 6 के 6 मैंने नहीं उठाया क्योंकि अलग अलग रूट का था। इस वजह से जो है टाइमर लग गया और घर पे आके मैंने उसे जो है ऑफलाइन कर दिया। सुबह में जो है मैं ऑनलाइन करना भूल गया जिसकी वजह से जो है टाइमर जो है नहीं हटा, या फिर मैं डाटा क्लियर करके और लॉगिन करके छोड़ देता तो पूरा जो टाइमर है मेरा ख़त्म हो जाता, लेकिन मैं सुबह सुबह करना भूल गया जिसके चक्कर में जो है अभी ये मुझे 2 घंटे का टाइमर दिखा रहा है और 1 बजे तक ये टाइमर ख़त्म होगा। देखता हूँ इस बीच में अगर कोई ऊबर का पार्सल आ गया तो वो ले जाऊँगा, या फिर नहीं तो अगर कोई पोर्टर में कोई ऐसा ऑर्डर बज गया जो कोई और ना उठाए तो वो ऑर्डर जो है मैं उठा लूँगा, चाहे वो छोटा ही हो या फिर कहीं ऐसी जगह का हो जहाँ का बंदा ना ले जाए, क्योंकि 2 घंटे का बात है और उसने मैं अपने को कुछ कमाना है क्योंकि 1 बज जाएगा अगर मैं टाइमर हटने का वेट करूँगा। तो चलिए दोस्तों देखता हूँ कि मेरे पास पोर्टर में ऑर्डर आता है या फिर ऊबर में ऑर्डर आता है, जो भी ऑर्डर आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेके जो है उसे चला जाऊंगा। तो दोस्तों टाइमर लगने के बाद भी जो है मुझे आज ऑर्डर मिल गया और ऑर्डर मिला है उत्तम नगर का, ज़्यादा ना ही ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है ना ही छोटा ऑर्डर है, तो ठीक ठाक ऑर्डर मिला है। 156 रुपये का ये ऑर्डर है और ये जो है मुझे करीब 15-20 मिनट बाद जो है मुझे मिल गया ये ऑर्डर और इस ऑर्डर को जो है मैंने पिकअप कर लिया है। आप देख सकते हो ये सामान है, छोटा सा सामान है जिसे मैंने अपने बैग में डाल दिया और मैंने ये ऑर्डर इसलिए उठा लिया क्योंकि 20 सेकंड तक बजा ये ऑर्डर मेरे पे और 20 सेकंड तक जो है किसी ने नहीं उठाया, तब जाके जो है मैंने इस ऑर्डर को उठाया क्योंकि मुझे जो है काम करना था, मुझे अपना टाइमर ख़त्म करना था जो कि मेरे आईडी पे लगा हुआ था टाइमर, वो भी 2 घंटे का। यानी 11:30 बजे मैं निकला आया था काम करने बाहर और 1:30 बजे के आसपास जो है मेरा टाइमर ख़त्म होता, तो मैं 2 घंटे अगर वेट करता कोई बढ़िया ऑर्डर लेने के लिए तो उसके बाद फिर पता नहीं मुझे कब मिलता ऑर्डर नहीं मिलता। इस वजह से जो है मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया। इससे मुझे 2 फ़ायदा होगा कि मेरा जितना टाइमर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरा फ़ायदा ये है कि मैं इतने देर में जो है कमा लूँगा। यानी अगर मैं यहाँ से अगर मान लो 1.5 घंटे जाने में भी लग जाएंगे तो मान लो 1.5 घंटे में जो है 156 है तो इसमें से मैं 120-130 रुपये तो इसमें मिल ही जाएंगे जितना मैं कमा लूँगा। तो ये फ़ायदा है, यानी 2 फ़ायदा है मुझे कि एक टाइमर ख़त्म हो जाएगा, दूसरा जो है मैं अर्निंग भी कर लूँगा। अगर कोई 90 या 100 रुपये का भी ऑर्डर आता तो वो भी जो है मैं एक्सेप्ट कर लेता और मैं अपना टाइमर ख़त्म करता, क्योंकि अगर टाइमर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है हम अपने हिसाब से ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद जो है मैं आपको बताता हूँ फिर उत्तम नगर में पहुँच के कि वहाँ से ऑर्डर मिला या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ उत्तम नगर और ऑर्डर जो है मैंने दे दिया है पोर्टर वाला और उसके बाद जो है मुझे ये वाला ऑर्डर मिल गया है ऊबर में और ये जो है दोस्तों मुझे 1/2 घंटा बाद मिला है पोर्टर का ऑर्डर डिलीवर करने के 1/2 घंटे बाद। तो ये जो ऑर्डर है दोस्तों ये ईस्ट या वेस्ट विनोद नगर है, विनोद नगर कहाँ पड़ता है ये मैंने देखा नहीं, सीधा मैंने जो है एक्सेप्ट कर लिया है और अभी जो है मैं जा रहा हूँ पिकअप के लिए। 1.1 किलोमीटर जो है इसका पिकअप है, तो चलते हैं पिकअप करने और देखते हैं कि ऑर्डर में क्या है और उसके बाद जो है हमें इस ऑर्डर को लेकर कहाँ जाना है वो भी देखते हैं, क्योंकि इसमें सीधा जो है लिखा हुआ आया ईस्ट, पता नहीं क्या था, वेस्ट विनोद नगर यही लिखा हुआ आया जिस वजह से जो है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रहा। तो मैं पिकअप करके जो है देखूंगा या अभी मैं मैप में सर्च करूँ तो देख सकता हूँ, लेकिन मैं सीधा जा रहा हूँ पिकअप करने क्योंकि कहीं का भी रहे सीधा जो है हमें ऑर्डर एक्सेप्ट करना है और लेके जाना है, क्योंकि पोर्टर तो बज नहीं रहा तो ऊबर में ही काम कर लेता हूँ। ये पैकेज का ऑर्डर है यानी ऊबर कनेक्ट का ऑर्डर है, तो चलते हैं पिकअप करने। तो दोस्तों ऊबर का जो पार्सल है वो मैंने पिकअप कर लिया है और ये सामान है आप देख सकते हो और इसे जो है मैंने पिकअप किया है, बैग में ही रख दिया इसको भी, ये भी छोटा सा ही सामान है, इसको भी जो है मैंने बैग में ही रख दिया है और इसको दोस्तों मुझे लेके जाना है वेस्ट विनोद नगर, जो कि अब मैंने लोकेशन जब देखा पिकअप करने के बाद उसके बाद मुझे पता चला कि मंडावली के पास पड़ता है ये, यानी पटपरगंज और उसके पास में जो मंडावली है वहीं पर उसी के अंदर जो है ये विनोद नगर वेस्ट ईस्ट ये सब जो है पड़ता है, तो वहाँ पर जो है मुझे लेकर जाना है और इसका रूट जो है वो 29 किलोमीटर का है, 1 घंटा 5 मिनट जो है इसमें दिखा रहा है कि 1 घंटा 5 मिनट जो है जाने में लगेगा,
29 किलोमीटर का रूट एक दिखा रहा था, 33 किलोमीटर का रूट एक दिखा रहा था, तो मैं 29 किलोमीटर वाले रूट से जो है जा रहा हूँ। और रेट की बात करूँ तो ऊबर जो है पैकेज का बहुत ही अच्छा रेट दे देता है, अप्रोक्स 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिल ही जाता है, थोड़ा सा कम मिलता है लेकिन उसके आसपास ही मिल जाता है, 9 रुपये 80 पैसे, 9.5 रुपये के हिसाब से जो है आपको ऊबर के पार्सल का रेट आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद जो है पास में ही पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसको जो है मैं डिलीवर करने के बाद वहाँ पर आ जाऊँगा। अगर विजयनगर में क्या है, विनोद नगर में अगर ऑर्डर नहीं मिला तो चलिए दोस्तों इस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं और मिलता हूँ मैं आप सबसे सीधा पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में। तो दोस्तों मंडावली में जो है मैंने दे दिया ऑर्डर और ऊबर ने कैश जो कलेक्ट किया है मैंने 309 रुपये ऊबर के जो ये कनेक्ट का ऑर्डर में लाया था और इसमें ऊबर ने दिए हैं मुझे 282 रुपये जो कि 29 किलोमीटर के हिसाब से ठीक है, पूरा 282 रुपये सही रेट दे दिया, इतना तो पोर्टर भी नहीं देता 29 किलोमीटर के। और अभी जो है मैं आ गया हूँ पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि वहाँ से 2.5 किलोमीटर था सिर्फ, वहाँ भी मैंने 10-15 मिनट वेट किया था, नहीं बजा तो फिर जो है मैं पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, 2.5 किलोमीटर है और यहाँ भी करीब 20-25 मिनट हो गए लेकिन रिंग नहीं बजा है। एक ऑर्डर बजा था सिर्फ नोएडा का, वो भी छोटा सा ऑर्डर था, उसके बाद जो है अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं बजा है। तो देखता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि कब तक ऑर्डर बजता है और मैं कब तक जो है यहाँ से निकलता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है मैं हूँ विकासपुरी फ्लाईओवर पे, यानी जनकपुरी से जो है मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर। और आज का अर्निंग मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा ख़राब दिन गया है ना, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में मैं 2 से 2.5 घंटा वेट किया लेकिन एक भी ऑर्डर जो है ना ही मुझे ऊबर में मिला पैकेज का और ना ही जो है मुझे पोर्टर में कोई ऑर्डर मिला। लास्ट में जो है मुझे 6:30 बजे तक जो है मैं वहाँ पर वेट किया, 6:30 बजे के बाद जो है मैं वहाँ पे ऊबर में होम रूट लगाया और वहाँ से जो है 6:30 बजे के बाद मैं वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद दोस्तों यहाँ सहादरा आते आते जो है मेरे पे एक राइड बजा जो कि चांदनी चौक का था ऊबर में ही, तो मैंने वो एक्सेप्ट किया, उसे फिर छोड़ा, फिर वहाँ से जो है चांदनी चौक के पास से ही एक राइड मिला जिसे जो है मैंने अभी जनकपुरी में छोड़ा है और अभी जो है मैं जा रहा हूँ घर। यानी 2 छोटे छोटे जो है राइड मैंने किया है, यानी आते समय जो है मैंने 2 राइड किया है और यहाँ से जो है करीब मैं जा रहा हूँ 10 किलोमीटर के आसपास जो है मैं खाली जा रहा हूँ और वहाँ से पटपड़गंज से जो है मैं 5-6 किलोमीटर आया था इधर सहादरा भी। दोस्तों पोर्टर का इतना बुरा हाल हो चुका है कि वहाँ पे 3-4 बंदे थे मेरे पास में, जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ पर 3-4 बंदे थे लेकिन किसी के पास भी जो है ऑर्डर नहीं बज रहा, रिंग भी सुनाई नहीं दे रहा कि हाँ किसी के पास अगर बजा भी कहीं का और का बजा हो, नहीं बजा। 2-3 ऑर्डर बजे बस 2 से 2.5 घंटे में और उसके बाद जो है कुछ भी नहीं मिला। मैंने 6:30 बजे तक वेट किया कि हाँ 5 बजे के बाद जो है ऑर्डर निकलना चालू होता है, तो हो सकता है 5 बजे के बाद जो है मुझे 6:30 तक लास्ट ऑर्डर मिल जाए लेकिन नहीं मिला। फिर वहाँ से जो है मैं होम रूट लगा के निकला और 2 राइड करके जो है मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर। तो दोस्तों अगर मैं आपको अर्निंग का बता दूँ तो अर्निंग ज़्यादा आज कुछ खास हुआ नहीं है, फिर भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पोर्टर में जैसे कि आप सबको पता होगा कि सिंगल एक ही ट्रिप मैंने किया है जो कि मैं M2K से यानी सेक्टर 7 से उठाया था मैंने और उत्तम नगर में दिया था, 156 वाला था जो कि बाद में उसका फेयर चेंज हुआ था। तो वो जो मैंने ऑर्डर डिलीवर किया उसके बाद जो है पोर्टर में मैंने एक भी ऑर्डर नहीं किया है उसके अलावा, तो 131 रुपये जो है वो अर्निंग हो जाता है। उसके बाद अगर मैं ऊबर की बात करूं तो ऊबर का जो है ऊबर में जो अर्निंग हुआ है मेरा वो 462 रुपये का अर्निंग है। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो प्लस करने पर जो है ये 593 रुपये हो जाता है, 593 रुपये जो है मेरा आज का टोटल अर्निंग है। और मैं अगर आपको बाइक की बता दूँ तो बाइक कितना चला है, तो लगभग जो है 80 किलोमीटर के आसपास चला है, 80 किलोमीटर बाइक चला है, तो इसका हम जो है 143 रुपये ऐसे ही जो है मोटा मोटी हम हटा देते हैं। तो 143 रुपये पेट्रोल का हटाने के बाद जो है मुझे 450 रुपये का जो है अर्निंग बचा है, यानी जो भी मैं काम किया हूँ 593 रुपये का उसमें से पेट्रोल का खर्चा काटने के बाद जो है मेरा जो अर्निंग निकला है वो 450 रुपये जो है वो नेट मेरा बचत है। तो यही हुआ है दोस्तों, और आज पूरा दिन जो है मैं यहाँ पे पटपड़गंज में करीब 2.5-3.5 घंटा तो मैं कम से कम वेट किया ही हूँ वहाँ पे, पूरा इधर से उधर घूम रहा था उधर से इधर घूम रहा था। तो यही था दोस्तों आज का अर्निंग और बाकी देखता हूँ कल कैसा जाता है दिन।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।